हेलो फ्रेंड्स कैसे हो मैं हूँ आशीष गुर्जर आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे स्टेटिस्टिक अभी हम सीख रहे हैं स्टैंडर्ड इलेवेंथ के अंदर उसमें हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज टू पॉइंट टू स्टार्ट कर दिया था उसके अंदर हमने तीन सम किए थे और ये सिंपल टेबुलेशन था कि जिसके अंदर हमारे पास टू बाई टू मतलब कॉलम भी दो बनते थे और रो भी दो बनते थे टोटल को छोड़ के उसके बाद हमने जो थर्ड नंबर का सम सीखा था उस सम के अंदर हमने ये सीखा था कि अगर मेरे पास जो कैटेगरी है वो दो से ज्यादा है तो क्या तीन कैटेगरी थी याद हो तो आपको क्लासिफिकेशन तीन स्टेजेस में किया गया था तो जब तीन स्टेज में क्लासिफिकेशन किया गया उस टाइम पे कुछ नहीं करना है आपको दो स्टेज जो है वो ऊपर रहेंगे और एक जो है वो साइड में रहेगा मतलब रो के लिए एक आएगा और ऊपर कॉलम के लिए कितने आएंगे दो आएंगे जैसे कि एग्जाम्पल फिर से एक बार याद करवा देता हूं मेल फीमेल होता है ऊपर मेल फीमेल लिख दिया

ओके okay गाइस जैसे कि क्वेश्चन में बताया है उस हिसाब से वन बाय वन डिटेल है जो वो हम अंदर लिखते जाएंगे तो डिटेल की अगर बात करें तो डिटेल में कुछ ऐसा था कि आउट ऑफ टोटल वन एट फाइव जीरो वुमेन वर्किंग इन अ फैक्ट्री इसका मतलब टोटल वुमेन हमें दे के रखा है और जो हमारे पास कैटेगरी थी वो कैटेगरी हमें अलग करनी है तो ये पूरा क्वेश्चन जो है वो वुमेन के रिलेटेड है इसलिए इसके अंदर मैन नहीं है तो ये एक कैटेगरी नहीं बन सकती है आगे की अगर बात करें हम तो आगे हमारे पास इन्फॉर्मेशन में ये था कि लेबर एरिया में वुमेन रहती है या तो फिर अदर लेबर एरिया तो मैंने कैटेगरी ये लिख दी है आप देख सकते हो कि लेबर एरिया एंड अदर एरिया एक ये हो गया उसके बाद आगे हमें क्लू मिला था मैरिड अनमैरिड का तो वो भी हमें लिख दिया है मैरिड अनमेरिड का उसके बाद हमें क्लू मिला था एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस का नाउ अब इस हिसाब से मुझे टेबल बनाना है पर ध्यान में ये चीज़ रखनी है कि जो चीज़ दो है वैसे तो हर एक चीज़ दो है तो कुछ भी लिख सकते हैं पर मैंने यहाँ पे लिखा लेबर एरिया और अदर एरिया उसके नीचे मैरिड अनमेरिड मैरिड अनमेरिड ऐसे भी लिख सकते हो या तो फिर ऐसे लिख सकता था मैं एक्सपीरियंस इन एक्सपीरियंस मैरिड अनमेरिड मैरिड अनमेरिड देन आपको जैसे अच्छा लगे उस हिसाब से लिख दो मैंने यहाँ पे लेबर एरिया अदर एरिया और यहाँ पे एक्सपीरियंस इन एक्सपीरियंस मैरिड अनमेरिड मैरिड अनमेरिड ऐसे लिखा है नाउ आगे हमारे पास इन्फॉर्मेशन में ऐसे आउट ऑफ टोटल वन एट फाइव ज़ीरो वुमेन इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एन कितना है देखो टोटल की बात करी तो ये टोटल में टोटल के अंदर टोटल में कुछ समझ में आ रहा है कुछ जोक जैसा ही लग रहा है तो वो कितना है वन एट फाइव ज़ीरो वन एट फाइव ज़ीरो क्लियर ये इन्फॉर्मेशन हमें दी है आगे वन बाय वन रीड करते जाते हैं आप बुक में देखिए और साइड में जो आ, इमेज रखिए उसमें भी देखते जाइए <coughs> तो आगे अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि 549 हंड्रेड वे रेसिडेंट वेर इन लेबर एरिया आपको टोटल जो दिया उसमें से 549 लेबर एरिया में रहते हैं तो ये देखो लेबर एरिया उसमें मैरिड अनमेरिड का स्टेटस नहीं है पर टोटल दिया है टोटल में टोटल के कॉलम है ये वाला टोटल है उस कॉलम में हम कितना लिखेंगे 549 लिखेंगे सो so यहाँ पे 549 नेक्स्ट आगे उसके बाद हमें बोला है आउट ऑफ टोटल मैरिड वूमेन तो देखो टोटल मैरिड तो ये टोटल उसमें मैरिड तो ये टोटल में मैरिड यहाँ पे आएगा उसमें ऐसा बोला आउट ऑफ टोटल मैरिड वुमेन ऑफ लेबर एरिया चलो अब लेबर एरिया भी आ गया तो ये छोड़ो टोटल मैरिड वुमेन और ये लेबर एरिया में तो लेबर एरिया फिर मैरिड और फिर यहाँ पे टोटल समझ में इस हिसाब से देखना है आप लोगों को आउट ऑफ टोटल मैरिड वुमेन ऑफ लेबर एरिया टू फिफ्टी हैड एक्सपीरियंसड तो एक्सपीरियंस के कॉलम में हम कितना लिख देंगे टू फिफ्टी लिख देंगे कितना लिख देंगे टू फिफ्टी लिख देंगे टू फिफ्टी को एक्सपीरियंस है और आगे ऐसा बोला एंड नाइन्टी थ्री वेर इन एक्सपीरियंस और ये इन एक्सपीरियंस के कॉलम में कितना लिख देंगे नाइन्टी थ्री इन दोनों का टोटल कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा ओके okay, तो आगे अभी भी सेंटेंस हमारा चालू ही है क्योंकि सेंटेंस जब तक हमारा फुल स्टॉप नहीं आता तब तक खत्म नहीं होता है जैसे जब तक फुल स्टॉप नहीं आता है तब तक वही सेंटेंस उसी के बारे में दिखा रहा है वही समझ के हमें सॉल्व करना पड़ेगा अगर ऐसा नहीं किया तो गलती हो सकती है ये चीज़ ध्यान में रखना तो अब देखो हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या था फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं हम उसके अंदर हमारे पास इन्फॉर्मेशन इस तरह से थी कि आउट ऑफ टोटल मैरिड वुमेन ऑफ लेबर एरिया 250 फिफ्टी हैड एक्सपीरियंस एंड नाइन्टी थ्री वेर एक्सपीरियंस डन अभी भी कॉमा है और आगे क्या बोला द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस वुमेन इन अदर एरिया पहले किसकी बात हो गई लेबर एरिया की बात हो गई मतलब ये लेबर एरिया में हमने लिख दिया ये देखो 250 लिख दिया 93 लिख दिया समझ में आया अब किसकी बात होने जा रही है अदर एरिया की बात हो रही है उसमें हमें देखना है कि मैरिड कितने हैं तो 87 एंड 400 है तो वहां पे हम सिंपली कितना लिख देंगे 87 एंड 400 सेंटेंस अभी भी चालू था आगे द टोटल नंबर ऑफ इन एक्सपीरियंस वुमेन वॉज वन थ्री थ्री सिक्स अब देखो इन एक्सपीरियंस और उसमें भी टोटल बोल दिया तो टोटल में टोटल के कॉलम में लिखेंगे हम वन थ्री थ्री सिक्स ये टोटल इनएक्सपीरियंस वुमेन हो गए और आगे ऐसा बोला एंड आउट ऑफ दैम वन थर्टी सिक्स वेर फ्रॉम लेबर एरिया अब देखो इसमें से लेबर एरिया में कितने हैं वन थर्टी सिक्स तो लेबर एरिया में टोटल के कॉलम में वन थर्टी सिक्स हम लिखेंगे आगे आउट ऑफ टोटल वुमेन ये टोटल वुमेन है ना 1850 एट फाइव जीरो आउट ऑफ टोटल वुमेन वन जीरो टू जीरो वेर अनमेरिड अब देखो इतनी टोटल है उसमें से मैरिड और ये अनमेरिड दो अलग अलग कॉलम है उसमें अनमेरिड के कॉलम में हम कितना लिखेंगे वन जीरो टू जीरो हमारे अनमेरिड के कॉलम में लिखना पड़ेगा अमोंग धैम अब देखो ऐसा था आउट ऑफ टोटल वुमेन वन जीरो टू जीरो वेर अनमेरिड अमोंग धैम द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वुमेन फ्रॉम लेबर एरिया एंड फ्रॉम अदर एरिया वेर वन सिक्सटी थ्री एंड फोटीन रिस्पेक्टिवली अब समझो क्या बोला गया है यहाँ पे कि हमें इंफॉर्मेशन जो दी आउट ऑफ टोटल वुमेन वन जीरो टू जीरो वेर अनमेरिड और अमोंग धैम द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वुमेन तो मतलब ये एक्सपीरियंस वुमेन और फ्रॉम लेबर एरिया एंड फ्रॉम अदर एरिया 163 एंड 14 अनमेरिड में एक्सपीरियंस लेबर एरिया में और अदर एरिया में डिटेल दी गई है चलो तो लेबर एरिया में कितना दिया गया है हमें 163 एंड अदर एरिया में कितना दिया है 14 दिया है अनमेरिड कुछ समझ में आया तो सिर्फ एक्सपीरियंस की ही बात हो रही है इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस में ही लिखेंगे 163 सिक्सटी थ्री एंड यहां पे लिख देंगे हम फोर्टीन क्लियर कितना लिख देंगे फोर्टीन और आगे बोला प्रेजेंट द डेटा इन द टेबुलर फॉर्म चलो बस इतनी इंफॉर्मेशन है बाकी की इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी पड़ेगी चलो वन बाय वन जितना क्लू मिला है उस हिसाब से कलेक्ट करते जाते हैं देखो सबसे पहले 250 और 163 इन दोनों को टोटल करोगे तो यहां पे मुझे ये टोटल मिल जाएगा कुछ समझ में आया तो कितना हो जाएगा फोर ये इतना हो गया नाउ 87 सेवन प्लस फोर्टीन करोगे तो इसका टोटल हमें मिल जाएगा कितना मिल जाएगा हंड्रेड एंड वन क्लियर अब देखो मैरिड यहां पे मैरिड का टोटल लेना है तो टू फिफ्टी प्लस एटी सेवन लेंगे हम समझ में टू फिफ्टी प्लस एटी सेवन लेंगे तो थ्री हंड्रेड एंड थर्टी सेवन हो जाएगा अनमेरिड के लिए क्या करेंगे वन सिक्सटी थ्री एंड फोर्टीन लेंगे तो वन सेवन सेवन हो जाएगा क्लियर और इन दोनों का टोटल कर दोगे तो ये टोटल मिल जाएगा या तो फिर 413 प्लस 101 करोगे तो भी ये टोटल मिल जाएगा आएगा 514, क्लियर अब 514 प्लस 1336 करोगे आप बराबर तो 1850 हो जाएगा और होना ही चाहिए अदरवाइज आपने कुछ मिस्टेक कर दिया नाउ अब यहां पे आ जाते हैं 93 है और ये वैल्यू मुझे फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा 136 में से 93 जो है उसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे इज दैट क्लियर समझ में आया क्यों ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अगर ये दो वैल्यू होती तो इन दोनों को प्लस करके मैं ये चीज फाइंड करता था नाउ तो ये हो जाएगा फोर्टी थ्री क्लियर नाउ अब देखो 250 उसमें से 93 माइनस कर दो तो वो हो जाएगा 157 इन दोनों को प्लस कर दो तो ये हो जाएगा टू हंड्रेड एंड सिक्स माफ़ कीजिएगा ये जो है वो प्लस करना था मैंने डिडक्ट कर दिया है इन दोनों को प्लस करेंगे तो थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री आएगा ये गलत है सो सॉरी सो थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री हो गया ये टू जीरो सिक्स हो गया इन दोनों को प्लस कर दो तो हो जाएगा फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन क्लियर यहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिल गई अब यहाँ पे आ जाओ वन एट फाइव जीरो है उसमें से वन जीरो टू जीरो अनमेरिड है तो मेरिड कितना हो जाएगा तो वन एट फाइव जीरो में से वन जीरो टू जीरो माइनस करो तो वो हो जाएगा एट हंड्रेड एंड थर्टी क्लियर अब देखो मेरिड यहाँ पे टोटल एट थर्टी है उसमें से लेबर एरिया में थ्री फोर्टी थ्री है क्लियर तो एट हंड्रेड एंड थर्टी माइनस थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री माइनस कर दो एट हंड्रेड एंड थर्टी है उसमें से थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा फोर हंड्रेड 87 और 1020 जो है उसमें से 206 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 814 आ जाएगा क्लियर अब इन दोनों को प्लस कर दो इन दोनों को प्लस कर दो या तो फिर 1850 है उसमें से 549 माइनस कर दो तो 1301 आएगा कितना आएगा 1301 अब देखो 814 एट है उसमें से 14 माइनस कर दो तो कितना आएगा 800 हंड्रेड इन दोनों को प्लस कर दो तो 1200 आएगा या तो फिर 1300 वन में से 101 जीरो माइनस करो तो भी 1200 आएगा समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं हम नाउ अब ये दो कॉलम बचे इसमें से ये माइनस करो या तो फिर 93 और 400 करो दोनों से सेम ही मिलेगा 493 देखो टेली कर लो इन दोनों को टोटल कर लो कैलसी में आपको 830 मिलेगा कैसे में करते रहना अब 1020 ज़ीरो टू जीरो माइनस वन सेवन सेवन करो या 43 थ्री प्लस एट हंड्रेड करो तो 843 आएगा इन दोनों को प्लस कर दो तो 1336 आएगा तो ये था हमारा फाइनल आंसर इसका आई होप कि समझ में आया होगा कि किस हिसाब से इस सम को सॉल्व किया जाता है हर तरह से आपका आंसर सेम होगा देखो टोटल टोटल का टोटल करोगे तो ये मिलेगा मैरिड लेबर एरिया का अदर एरिया का करोगे तो ये मिलेगा टोटल का वैसे करके आपको पूरा टोटल एडजस्ट करना है आई होप कि क्लियर हो गया अगर कोई भी क्वेरी है तो मैसेज कीजिएगा मैसेज मतलब कॉमेंट कीजिएगा चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर ओके okay गाइस तो क्वेश्चन नंबर फाइव के हिसाब से हमें कैटेगरी कौन सी कौन सी मिली मेल फीमेल एक कैटेगरी हमें जेंडर मिली उसके बाद स्किल अनस्किल कैटेगरी मिली उसके बाद ईयर हमारे पास बहुत सारे थे 2011, 12, 13, 14 इतने हमें ईयर्स मिल गए नाउ उस चीज़ को मैंने यहाँ पे दिखा दिया है देखो स्किल ऊपर लिखा मेरी मेल फीमेल टोटल फिर अनस्किल मेल फीमेल टोटल फिर टोटल के अंदर मेल फीमेल टोटल और यहाँ पे ईयर लिख दिए हैं इस हिसाब से हमने पूरा का पूरा लिखा है अब देखते हैं इन्फॉर्मेशन वन बाई वन चेक करते जाते हैं और पूरे सम को सॉल्व कर देते हैं तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था देर वेर वन टू फाइव जीरो स्किल एंड फोर हंड्रेड अनस्किल वर्कर इन प्राइवेट कंपनी इन द ईयर टू थाउजेंड इलेवन अब देखो ये टू थाउजेंड इलेवन है क्लियर अब टू थाउजेंड इलेवन के अंदर उन लोगों ने बताया कि हमारे पास 2011 में हमारे पास स्किल वर्कर्स कितने हैं 1250 तो ये देखो स्किल तो उसमें मैं टोटल में लिख सकता हूँ मेल फीमेल में नहीं क्योंकि उसकी डिटेल अभी नहीं है तो स्किल 2011 में स्किल कितने हो गए हमारे 1250 यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद आगे अनस्किल भी बोला तो अनस्किल के कॉलम में टोटल में 400 लिख देंगे क्लियर इतना हो गया नाउ 2011 देयर वर 220 फीमेल वर्कर एंड ऑफ देम अब देखो बोला यूके 2011 में स्किल अनस्किल इतना है हमारे पास क्लियर यहां तक खत्म हो गया फिर उसके बाद ऐसा बोला देर वेर 220 फीमेल वर्कर्स एंड ऑफ देम 140 फोर्टी वेर अनस्किल इन द ईयर 2000 बस अनस्किल यहां तक फुल स्टॉप तो ये जो हमें टू ट्वेंटी दिया ना फीमेल वर्कर्स वो किसी एक का नहीं है वो टोटल का फीमेल दिया है तो टोटल का फीमेल कितना दिया है हमें टोटल का फीमेल दिया है टू ट्वेंटी कितना दिया है टू ट्वेंटी पर ये 220 है उसमें से 140 जो है वो अनस्किल है इसमें से 140 फीमेल अनस्किल है तो 140 फीमेल अनस्किल के अंदर लिख दिया है तो ये मुझे मिल जाएगा पर वो लास्ट में हम फाइंड करेंगे अभी जो डिटेल दी है उस डिटेल को फुलफिल करते हैं नाउ अब इन द ईयर 2012 थाउजेंड ट्वेल्व द नंबर ऑफ स्किल वर्कर वॉज वन फोर सेवन फाइव क्या बोल दिया 2012 उसके अंदर स्किल वो हमें टोटल दे दिया वन फोर सेवन फाइव एंड ऑफ दैम अभी चालू है उसके अंदर से थर्टीन हंड्रेड वेर मेल उसके अंदर से थर्टीन हंड्रेड जो है वो मेल है तो बाकी के फीमेल हो जाएंगे सिंपल फंडा आउट ऑफ टू फिफ्टी अनस्किल वर्कर्स टू हंड्रेड वेयर मेल टू फिफ्टी अनस्किल है टोटल बता दिया टू फिफ्टी अनस्किल है उसमें से टू हंड्रेड क्या है मेल है तो मेल में हम कितना लिख देंगे टू हंड्रेड खत्म हो गई बात टू थाउजेंड थर्टीन दैर वेर सेवनटीन हंड्रेड स्किल टू थाउजेंड थर्टीन उसमें स्किल कितना है क्लियर एंड फिफ्टी वर्कर और अनस्किल कितने हैं? है. वर्कर्स टू फिफ्टी वेर फीमेल क्लियर ये टोटल है उसमें से टू फिफ्टी क्या हो हो जाएगा आपका फीमेल टू फिफ्टी हो गया फीमेल और आगे ऐसा भी बोला है. एंड ऑफ देम 240 वेयर स्किल्ड और ये 250 है उसमें से 240 जो है वो स्किल है तो ये स्किल का कॉलम है वहां पे मैं 240 लिख दूंगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा सिंपल फंडा है ना आगे इन 2014 देयर वेयर 2000 वर्कर्स अब क्या बोल दिया 2014 में 2000 वर्कर्स ऐसा नहीं बोला स्किल्ड अनस्किल्ड तो टोटल में ही मैं कितना लिख दूंगा 2000 अब परसेंटेज आएंगे एंड ऑफ दू परसन वेयर अनस्किल्ड तो टू थाउजेंड का टू परसेंट करो पहले तो क्या करेंगे हम टू थाउजेंड का टू परसेंट फोर्टी फोर्टी होगा वो कैसे है अनस्किल्ड है समझ में आया टू परसन वेयर अनस्किल तो अनस्किल के टोटल में फोर्टी टू परसेंट मैंने कर दिया आउट ऑफ टोटल वर्कर थ्री हंड्रेड वेयर फीमेल टोटल में से थ्री हंड्रेड फीमेल है क्लियर एंड ऑफ देम टेन वेर अनस्किल और अनस्किल उसमें से दस है बाकी सब स्किल वाले हैं और इस डेटा को हमें टेबल में बनाना था बस तो इतनी इन्फॉर्मेशन है बाकी के मिसिंग डेटा हम फाइंड कर सकते हैं देखो 2011 से ही चेक करते हैं 2011 में टोटल की बात करें तो 1250 400 तो इन दोनों को टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा 1650 हो जाएगा हो गया उसमें से 220 फीमेल है तो हमें मेल मिल जाएगा कितना मिल जाएगा वन फोर थ्री जीरो देखो फोर हंड्रेड में से अनस्किल में फोर में से वन फोर्टी फीमेल है तो मेल कितने हो जाएंगे टू सिक्सटी हो जाएंगे क्लियर अब मेल टोटल फोर थर्टी उसमें से टू सिक्सटी जो है वो कैसे अनस्किल है बराबर तो कितने बचेंगे वन वन सेवन जीरो वो यहां पे. अब वन टू फाइव जीरो में से वन वन सेवन जीरो माइनस करो या तो फिर टू ट्वेंटी में से वन फोर्टी माइनस करो आपका आंसर सेम रहने वाला है एटी क्रॉस टैली कर लेने का नाउ अब 2012 में 1475 टोटल है उसमें से 1300 मेल है तो बैलेंस कितना बचेगा 175 वो यहाँ पे आएगा 250 टोटल है उसमें से 200 मेल है तो फीमेल कितना होगा फिफ्टी नाउ 1475 उसमें आपको 250 प्लस करना है तो कितना आ जाएगा 1475 प्लस 250 कर दो तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 1725 नेक्स्ट 1300 प्लस 200 कितना हो जाएगा 1500 इसमें से ये माइनस कर दो तो भी 225 मिलेगा 175 प्लस 50 करोगे तो भी 225 आपको मिलेगा नाउ 1700 में से 240 माइनस कर दो 1460 मिलेगा आपको इतना मिला अब देखो टोटल सेवनटीन हंड्रेड यहाँ पे टोटल फिफ्टी तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा वन सेवन फाइव जीरो उसमें से टू फिफ्टी माइनस कर दो कितना आ जाएगा फिफ्टीन हंड्रेड क्लियर टोटल फिफ्टीन हंड्रेड इसमें से यहाँ पे वन फोर सिक्स जीरो है मेल तो कितने बच्चे फोर्टी तो यहाँ पे फोर्टी मेल तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे टेन ऐसे भी कर सकते हो टू फिफ्टी माइनस टू फोर्टी करोगे तो भी टेन मिलेगा स्पीड में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अब ये सिंपल आप कर सकते हो लास्ट ईयर टू थाउजेंड में से थ्री हंड्रेड माइनस करो सेवनटीन हंड्रेड क्लियर नाउ अब 2000 में से 40 माइनस करो 1960 300 में से 10 माइनस करो 290 17 अब देखो 40 माइनस 10 करोगे तो 30 आ गया 1700 माइनस 30 करोगे तो 1670 और इन दोनों को फिर प्लस कर दोगे तो 1960 आ जाएगा यहां पे इस टोटल का कोई रोल रहने वाला नहीं है क्योंकि ईयरवाइज डिटेल देते तब हमें टोटल की कोई जरूरत नहीं है तो यह चीज याद रखना इसका टोटल नहीं करना है क्योंकि ईयरवाइज डिटेल दे के रखी है आई होप कि यह पूरा सम क्लियर हो गया अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट में लिखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स जिसको से ज्यादा जरूरत है उन लोगों को शेयर कीजिए थैंक यू सो मच